जयपुर की चारदीवारी क्षेत्र में फिर से नाइट स्वीपिंग शुरू होगी। इसके लिए हेरिटेज नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। किशनपोल जोन क्षेत्र के सभी बाजारों में निगम प्रशासन रात को सफाई कराएगा। इसके लिए करीब 70 सफाई कर्मचारी लगाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही परकोटे के सभी प्रमुख बाजारों में नाइट स्वीपिंग शुरू होगी। शहर के चारदीवारी क्षेत्र के बाजारों में पहले नाइट स्वीपिंग होती थी, लेकिन अब नाइट स्वीपिंग के नाम पर सिर्फ 3 बाजारों में ही रात को झाड़ू लगती है। परकोटे के किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार और हवा महल बाजार में ही नाइट स्वीपिंग हो रही है। इसके लिए सिर्फ 30 कर्मचारी लगा रखे हैं। अब किशनपोल जोन क्षेत्र के सभी बड़े बाजारों में नाइट स्वीपिंग होगी। इसके लिए निगम प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इनमें जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता सहित अन्य बाजारों में भी नाइट स्वीपिंग शुरू होगी। निगम प्रशासन इसके लिए 60 से 70 सफाई कर्मचारी लगाएगा। हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अभिश्राम मीणा ने करीब 100 से ज़्यादा मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सफाई व्यवस्था को लेकर टारगेट दिया है। शहर में 100% सफाई व्यवस्था को लेकर इनकी जवाबदेही तय कर दी गई है। अगर कहीं भी सफाई व्यवस्था में कोताही मिली या कचरा गंदगी मिली तो अब SI और CSI के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही CSI फील्ड में रहकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गिरिराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गिरिराज, नाइट स्वीपिंग की जो व्यवस्था है हर बार लागू की जाती है, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता, इसको बंद कर दिया जाता है, क्या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी, बात करें हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र के जो प्रमुख बाजार है, परकोटे के जो प्रमुख बाजार है, उनमें हमेशा से नाइट स्वीपिंग की जाती रही है और पिछले कुछ माह से नाइट स्वीपिंग बंद है। सिर्फ 3 बाजारों की बात करें तो उनमें नाइट स्वीपिंग चालू है, जिसमें किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार और एक रात बाजार और है, तीनों में नाइट स्वीपिंग चल रही है। हवामहल बाजार है, तीसरा बाजार जो है, बाकी किसी में नहीं। और इसमें नाइट स्वीपिंग के लिए सिर्फ करीब 30 कर्मचारी लगा रखे हैं, मतलब एक बाजार में 10 कर्मचारी इन्होंने नाइट स्वीपिंग में लगा रखे हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए रुकी गई थी कि जो परकोटा जो क्षेत्र है उसमें कास्टपोर्ट से जो प्रमुख बाजार है उनमें पूरी तरह सफाई रहे और जो सुबह जो बाजार खुलते हैं तो उस समय किसी तरह की कोई गंदगी नजर नहीं आए, उसी को देखते हुए नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था रोकी गई थी। हालांकि इसके जो परिणाम वो कुछ साफ नजर भी आ रहे थे, बाजार से साफ नजर आ रहे थे, पर बीच में जो निगम प्रशासन ने लाइट फिर से बंद कर दिया गया। अब निगम प्रशासन ने नए कवायद की गई है, बाजार में जो कचरा डिपो है वो बन गए थे और शहर में कचरे जगह जगह सघन की नजर आ रही। खुद जो आयुक्त कमिश्नर है उन्होंने दौरा किया, उनके सामने सच्चाई सामने आई, तो उन्होंने हाल ही में निगम प्रशासन के जो अधिकारी जुड़े हुए उनको निर्देश जारी कर दिए हैं, अगर नाइट स्वीपिंग फिर से शुरू की जाए तो पहले की व्यवस्था थी उसको फिर से लागू किया जाए, तो उसकी कवायद फिर से शुरू हो गई है। जो स्वास्थ्य उपायुक्त है उन्होंने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और अब जो प्रमुख बाजार है, बात करें किशनपोल जो क्षेत्र में सारे प्रमुख बाजार आते हैं, उनमें सभी बाजार में नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था जल्द ही शुरू होने वाली है। इसको अंतिम रूप किया जा रहा है, किस बाजार में कितने कर्मचारी लगाने हैं और कैसे कैसे इसकी व्यवस्था की जाएगी उसकी कवायद की जा रही है। तो माना जा रहा है कि अगले वीक नाइट स्वीपिंग शुरू हो जाए और हर बाजार में जो प्रकोटिक प्रमुख बाजार है, जौहरी बाजार हो, त्रिपोलिया बाजार हो, चौड़ा रास्ता हो, इन सभी में नाइट स्वीपिंग वापिस शुरू की जाएगी, जिससे शहर सुंदर दिखे, साफ दिखे। जी गिरिराज, अगर इस बार भी कोई लापरवाही बरती जाती है, जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई जाती है तो क्या एक्शन होगा इस बार? हाँ, अगर जो सफाई व्यवस्था है, निर्देश तो पूरी सफाई व्यवस्था को लेकर ही दिए गए हैं, पर खासतौर से जो नाइट स्वीपिंग है उसमें उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो वहाँ के SI है और CSI है उनको अलग से जिम्मेदारी दी गई है। अगर नाइट स्वीपिंग होती भी है नहीं होती है उस पूरी नजर रखेंगे और अगर कर्मचारी अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले उनको नोटिस दिए जाएंगे और फिर भी नोटिस के बाद भी अगर वो ट्रेन में नहीं आ रहे हैं, सफाई कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्हें निलंबित करने की भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उससे पहले उनका वेतन रोका जाएगा और तीसरे स्टेज पर उनको निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने प्लान तैयार किया है, हालांकि जो प्लान तैयार किया गया वो शहर साफ रहे, स्वच्छ रहे उसको लेके किया गया है और इसके बाद जो जितने भी वार्ड हैं सबके CSI और SI को ये जिम्मेदारी तय की गई है। अगर वो नियमित जाके मॉनिटरिंग करेंगे, अगर फिर भी कचरा गंदगी मिलती है
तो इनकी भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है, इनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे और इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जी जी गिरिराज, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।